सुरी नाम जो स्मरणों का डॉन है, 20 खून 15 बलात्कार किए हैं, इसलिए अदालत को दोषी मानकर आईपीसी 302, 304, 306 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा सुनाती है। इस केस में अपनी जान की परवाह किए बिना कातिल को पकड़ने में सबसे ज्यादा धैर्य और साहस जुटाने वाले असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर चक्रवर्ती को यह अदालत धन्यवाद देती है। थैंक यू वेरी मच। बधाई हो जीजा जी। Thanks. मेरी तरफ से डबल बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर ये क्या? दोनों की शक्ल एक जैसी है। वो बात नहीं, हाथों में बैंडेज। आप पैदा हुए, ऑपरेशन करके दोनों को अलग करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन वर्कआउट हो गया है। रिफ्लेक्शन मतलब? ये देखिए। देखा ना, ये बच्चा रोता है तो वो भी रोता है। मतलब चोट इसे लगती है तो दर्द उसे होता है। वैसे ही वो हंसता है तो ये भी हंसेगा, वो खेलेगा तो ये भी खेलेगा। इसका मतलब हर वक्त रिफ्लेक्शन रहेगा? कह नहीं सकते, पास रहने पर ज्यादा हो सकता है, दूर रहने पर कम हो सकता है, कुछ मामले में नहीं भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, सूरी का ऑपरेशन कामयाब हो गया। तो फिर उसे फौरन सेंट्रल जेल ले जाओ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, हमें यहाँ से जल्द भागना है। जल्दी से सामान लो, कम ऑन चलो। सूरी तुम कहीं भाग नहीं सकते, शराफत से मेरे बेटे को मुझे देकर हथियार डाल दो। Fire!
क्यों रो रहा है? मैं मर जाऊंगा इसलिए। बेटे चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, यहाँ रहोगे तुम्हें भी खतरा है राम बाबू, इसे लेकर चले जाओ। नहीं पिताजी नहीं, गलती मत करो, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे जाओगे, तुम्हारे जाओगे तो तुम्हारे बाप का काथी चक्रवर्ती बच जाएगा, उसे मारने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। देखो बेटे एक बात मत भूलना, उस चक्रवर्ती को मारने के बाद ही मेरे अस्थियों को गंगा में बहाना, यही तेरे बाप की अंतिम इच्छा है बेटे, पूरा करोगे ना, उसे जान से मारोगे ना, बाप की इच्छा पूरा करोगे ना तुम, पूरा करोगे ना तुम, चक्रवर्ती को मारोगे ना। चलो मेरा बच्चा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा बच्चा। बेटा बत्रा, तुम्हारे पिताजी का 11वां दिन है, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, आकर पिंडदान करो। जब तक उस चक्रवर्ती को मार न दूं, मैं पिताजी की अस्थियां नहीं बहाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी शौक से बाहर नहीं आ रही हैं। ऑलमोस्ट कोमा में चली गई हैं। स्पेशलिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जीजा जी, अमेरिका में मेरी पहचान के डॉक्टर हैं, आप मेरी दीदी को लेकर वहां चले जाइए, मुझे यकीन है वो वहां ठीक हो जाएंगी। सुन यार, यहां के काम को मैं देख लूंगा, तुम जाओ अमेरिका।
मेरी बहन को पकड़ो, मैं खाना लाता हूँ। पाकिट दे। नहीं दूंगा, तू क्या करेगा? ये मेरा एरिया है, चोरी करने का टैक्स देना पड़ता है, चल निकल। ये पैसे से मेरी बहन को दूध जाऊंगा, तेरी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। कौन है वो जिसने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत की? मैंने। बारे में चिंता मत करो बहना, तुम घर चलो, ये अब सबकी वाट लगा कर आएंगे, तुम चलो घर। अरे चलो फिर। दोबारा अगर तूने मेरी बहन को छेड़ा या इस गली में दिखाई भी दिया ना, तो भले ही तू जिंदा बच जाए, लेकिन बैग पंचर हो जाएगी, फिगर की वाट लग जाएगी। चलाड़ी हमने आ गए आप, बिल्कुल सही समय पर आते हैं आप लोग। फाइट खत्म होने पर आप आएंगे, यही सोच रहा था। करेक्ट। अरे क्या हुआ सर, आप लोगों को तो क्लाइमेक्स फाइट में आना चाहिए था, फर्स्ट फाइट में कैसे आ गए? तुम्हारी बॉडी हमें हैंड लोन में मिल सकती है। क्या करने के लिए? अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, जैसे कि दाढ़ी बनवाने के लिए ब्लेड चाहिए। रास्ते में फाइटिंग करके कानून को अपने हाथ में लेता है। चल तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ, चल। ए, कहाँ जा रहा है? जेल में सर। कमाल की बात करते हो आप, आपने रामायण तो देखा है ना? देखा। राम जाता है वहाँ लक्ष्मण भी जाता है, तो मैं भी चला करने अपने राम को कंपनी देने। इससे तो रास्ते में गुंडों की पिटाई की है, तूने क्या किया है? ओहो, जब मैं फाइट करूंगा तब आप मुझे अरेस्ट करेंगे। जरा साइड में आइए, हिलिएगा नहीं। गिरफ्तार करता हूँ। ये डायलॉग मारने से पहले बोलना चाहिए था ना, फक्कड़ पे मेरे से गधे की तरह पीट गया। हाँ चल हट यार। क्या हाल है, फिर आ गए क्या? हाँ भाई। किस लफड़े में इस बार आए हो? अरे बैठे बैठे खाने से पेट बढ़ जाता है ना, इसलिए थोड़ी सी डाइटिंग कर रहा हूँ। हेलो मामू। क्या रे, फिर से आ गया? हाँ, आज रात का क्या इंतजाम किया है? एसी रूम है ना? एसी रूम खाली नहीं है, उसमें आतंकवादी हैं, आज ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये है। ये सब क्या है मामू, तुमने तो स्पेशल रूम कहा था। क्यों, पसंद नहीं आया? इससे तो म्युनिसिपैलिटी का संडास अच्छा होता है। जी, दरवाजे में ताला नहीं है, दीवार पर कलर नहीं है, फैन में हवा नहीं है, रेगुलर कस्टमर को ऐसा रूम दोगे तो दोबारा आने में इंटरेस्ट कैसे आएगा?
हमारे जैसे सीनियरों को ऐसा रूम दोगे तो फिर जूनियरों को क्या दोगे? ये बात अगर बाहर पता चल गई तो कोई जेल में आएगा क्या? किसी और की बात क्यों करता है, हम ही लोग क्यों आएंगे? आप लोग ऐसी बातें करोगे तो कैसा चलेगा, एडजस्ट कर लो ना। कैसे एडजस्ट करो सर, न तो एसी है, न तो टीवी है, न तो वीसीआर है, अरे कम से कम पानी पीने के लिए फ्रिज तो होना चाहिए। सुनिए, बोलूंगा तो बुरा लगेगा आपको, ये कोई ताला है, है? एकदम बेकार ताला है, आजू बाजू चोरी चोर है, उन लोगों के बीच हम कैसे रहेंगे सर? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। रहना है तो चले जाओ। हाँ, जाते हैं। आप अगर हमें रहने के लिए नहीं कहेंगे तो हमें भी कोई शौक नहीं है रहने का, हमारा भी एक घर है, हमारी भी कोई इज्जत है। हेलो करण, जेल में इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, हिस्सा लेगा क्या? क्या कहा, गुस्सा लेंगे? तू चुप रहना। कॉम्पिटिशन में वॉल जंपिंग है क्या? वॉल जंपिंग नहीं, पोल जंपिंग है। पोल जंपिंग है तो हम हिस्सा लेंगे। वेरी गुड, पोल जंपिंग में येरोडा जेल नंबर वन आई है, उसको हराना है। हम हरा देंगे। तो पोल कहाँ है बताइए, प्रैक्टिस करनी है। पोल वहाँ पड़ा हुआ है, बाहर जाके प्रैक्टिस करो। बाप रे, बच के निकले। गुरु ऐसे क्यों देख रहे हो? गई भैंस पानी में। कैसे? जरा वहां तो देखना। हेलो हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुम्हें नहीं, सिर्फ हमें है, तुम्हें सिर्फ बैड मॉर्निंग। कम ऑन, झगड़ो। ऐसे क्या देख रहे हो, झगड़ो, सुनाई नहीं देता क्या? अबे चोर को पकड़ने के लिए झगड़ो नहीं, पकड़ो। अरे ठीक है ना यार, बोलने में गड़बड़ हो गई। कम ऑन, पकड़ो। पकड़ लिया। मुझे प्रमोशन मिल गया, डबल प्रमोशन। अरे तुझे डबल प्रमोशन क्यों होगा, वो तो मुझे होगा। तुम्हें क्यों होगा? क्योंकि मैंने 420 को पकड़ा है। तुमने जिसको पकड़ा है वो 420 नहीं, वो तो चमचा 210 है। अरे हाँ, अरे पागल तू कौन है? अरे तू इसे पकड़, मैं उसे पकड़ता हूँ। जिसको पकड़ा उसी को पकड़ूंगा, अदला बदली नहीं होगी। तुझे मालूम नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? शेर सिंह। मैंने तुमसे अपना नाम नहीं पूछा है, मेरा ओहदा क्या है? मुझे नहीं पता। क्या तुझे ये मालूम नहीं है मैं ऐसाई हूँ और तू हवलदार? मेरी तकदीर खोटी थी और तुम्हारी तकदीर तेज थी, इसलिए गलती से ऐसाई बन गए हो। अगर गलती हुई है तो कोई फ्लैशबैक भी होगा, वो क्या है? 91 में शोभराज नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, 2 महीने मेहनत करके मैंने उसे पकड़ा था। उसी वक्त आकर पेप्सी मेरे हाथ में दे दिया, मैं पेप्सी पीता रहा और ये उसे डीएसपी के पास ले गया और वहाँ झूठ बोला कि मैंने पकड़ा है और मेरी प्रमोशन इसको मिल गई। अरे बाप रे, तो तुम लोग भी चोर हो? शक्ल से ही चोर लगता है। बकवास बंद करो, तुम यहाँ आओ। क्यों? बॉस बॉस को पकड़ना चाहिए और असिस्टेंट असिस्टेंट को पकड़ना चाहिए। तुम में दम है तो पहले ही पकड़ना चाहिए था। पहले ही पकड़ने वाला था, लाठी की वजह से नहीं पकड़ा। तो फिर मेरे हाथ में लाठी नहीं तो क्या वाटी थी? तेरी लाठी मामूली सी है और मेरी लाठी चांदी की है। असल में 420 बड़ा शाना है, उसे पकड़ने में मेरी लाठी गुम हो जाती तो लाठी नहीं जाएगी, नौकरी जाएगी। मेरी नौकरी क्यों जाएगी? जीप जा रही है इसलिए। अरे खड़े क्यों हो? Come on, मार्च। ये मार्च नहीं, अप्रैल है। तेरी तो मैं उस मार्च की बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो मार्च। तुम्हें पता नहीं है, लेफ्ट राइट मार्च नहीं, चेस कहते हैं। अरे बाप रे, कुछ भी कर, Come on, चेस, चलो। ठीक है। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। क्या हुआ? जरा उधर तो देखो। जीजा जी, अगर बैग को आप ऐसे छाती से लगा के चलेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। ऐसा है इसलिए मजबूत पकड़ रखा है। रहने दीजिए, चोर को तो आप मौका खुद दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बिंदास होकर चलिए और किसी को शक नहीं होगा कि आप कुछ पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, समझे? ऐसे बिंदास होकर चलिए, बिल्कुल केयर फ्री, मेरी तरह बिंदास होकर चलिए, किसी को शक नहीं होगा। तुझे भी दिमाग है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आखिर तूने अच्छा आइडिया दिया, अब घुमाता चलूंगा। बिल्कुल केयर फ्री, बिल्कुल। देखा भाई, वो लोग कैसे आराम से चल रहे हैं ताकि हम लोगों को पता ही नहीं चले कि बैग में कैश है। कैसे पागल है वो लोग। इसीलिए आजकल चोरियां आसानी से हो रही हैं। तो देर किस बात की, जीप को बाजू से ले जा, मैं बैग को खींच लूंगा, अपना झोल हो जाएगा। राइट राइट। वो देखो पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। कौन है तुम लोग? हम लोग पुलिस वाले हैं। तो फिर कैदी के ड्रेस में क्यों? वो क्या है, आजकल चोर पुलिस की ड्रेस में घूम रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमने कैदी की ड्रेस पहनी है। तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? चोर के भाग जाने के लिए। वो क्यों? चेस करके पकड़ने के लिए। तो उन चोरों को कौन पकड़ेगा? अभी पकड़ते हैं। कम ऑन, चेस, चेस। जी जी, हाँ हाँ, ये लीजिए, सोडा पी लीजिए। पैसा, पैसा। हाँ सोडा पी लीजिए, बोतल ले। तूने ही कहा था मैं तो चले गया। मुझे किस तरह चलना चाहिए था? केयर फ्री। Care free. Care free.
क्यों रे, पवित्र भारत देश में पैदा होकर सर पर हेलमेट पहनकर मासूम लोगों का बैग चुराकर भागते हुए शर्म नहीं आती? पहलवान की तरह हो, मेहनत से काम करो, शेर की तरह जीना छोड़कर बंदरों की तरह चोरियां करो। क्यों करना नहीं चाहिए? इसकी आवाज ऐसी क्यों है? तुम लड़का हो या लड़की? भाई ये तो लड़की है। तो तुम लोग कौन हो? दिखाई नहीं देता, दो मर्द हैं। कौन सी जेल से भाग कर आए हो? सेंट्रल जेल। कोई जेल से नहीं आया, हम पुलिस वाले हैं। पुलिस हो? तुम्हारी थोबड़ी देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वही तो, देखा इसने नहीं पहचाना, वेश बदला हुआ है। वेश बदला? तो फिर तुम्हें पुलिस जीप नहीं दिखाई दे रही है क्या? यहाँ बैग हमें दो और पुलिस स्टेशन जाकर अरेस्ट हो जाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाकर अरेस्ट हो जाऊँ तो तुम दोनों नहीं आओगे? क्यों नहीं आएंगे, हम क्या डरते हैं? चलो मैं नहीं चलूंगा। जीप के रहते हुए मैं क्यों चलूं? हाँ तो जीप में बैठो। नहीं बैठूंगी, मैं क्यों बैठूं? क्यों? इसके बाप का माल समझकर चोरी किया है। अपने बाप का माल समझकर चोरी किया है बैग? वो तेरा बाप है, किसी और को पट्टी पढ़ाना बेवकूफ समझा है क्या? ला इधर दे। मैं जो कह रही हूँ वो सच है, कहो तो मैं पहचान दिखाती हूँ। रुक जाओ, दिखाती हूँ। दिखाओ ना। मैं दिखाती हूँ। ऐसे क्यों मारा? बैक पॉकेट अच्छा लगा। बैक पॉकेट अच्छा लगेगा तो मारूंगी। तू चल जीप में बैठ। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे पीछे क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, खड़ा रहा, जीप है ना, धक्का खाए बिना नहीं चलती है। जोर लगा के चल चल। ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे जीप को देखो, हमें ढूंढते हुए यहाँ आ रही है। विश्वास ऐसा होना चाहिए। तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आ रही है, लुढ़कते हुए आ रही है। जल्दी से हट जाओ नहीं तो दोनों को उड़ा कर जाएगी। अरे जाकर रोको। सुनिए कैदी की ड्रेस में तो पुलिस वाले मेरा बैग लेकर भाग गए। आपका रॉल आपका बैग है, साहब की तो जीप लेके गए। तो क्या वो पुलिस वाले नहीं थे? नहीं, चोर थे। चोर थे? हाँ, आपकी तारीफ। मेरे मामा भी बड़े थानेदार हैं, बिल्कुल आपकी तरह। आई सी, कौन है आपके मामा जी? नालायक, फालतू का आइडिया देखकर शर्म नहीं आती तुझे खाना खाते हुए? आज से एक साल तक दोपहर का खाना कट। दो साल तक नहाने के लिए साबुन कट। ओह माय गॉड। तीन साल तक सर का तेल कट। चार साल तक दाढ़ी के लिए ब्लेड कट। पांच साल तक दांत के लिए टूथपेस्ट कट। इतनी सारी कंडीशंस लगा रहे हो, आखिर बताओ बैग में पैसे कितने थे? 1260 रुपए थे। बाप रे, इतने सारे पैसे गए। हाँ बेटी, तुम्हारे डैडी के इतने सारे पैसे चोरी हो गए, मुझे तो यही सोच के डर लग रहा है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। हाँ भगवान चाहेगा तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा, उसके हाथ को लकवा मारेगा। उसकी आँख से दिखाई नहीं देगा, वो पैर से लंगड़ा हो जाएगा, देखना उसका पेट फट जाएगा। उसके माँ बाप को ऊपर वाला उठा लेगा। उसकी माँ की क्या गलती है? तेरी माँ नहीं, उसकी माँ। माँ तो माँ होती है ना, आपके पैसे जिसने चोरी किए उससे भी किसी और ने चोरी किए होंगे, उसको गाली दीजिए। इसका क्या मतलब है जीजा जी? मेरी भांजी को देखकर आपको क्या लगता है? मुझे मेरी बेटी लगती है। मुझे तो आपकी बेटी ही चोर लगती है, चाहे तो उसकी ड्रेस देख लो। चुप रहो, उसे चोरी करने की क्या जरूरत है, वो तो मेरी बेटी है। हाँ आपकी बेटी की शादी एक चोर के साथ होगी, पंडित ने ऐसे ही बताया था। क्या कहा? एक चोर मेरा पति बनेगा? कुंडली देखकर यही बताया था। मजा आएगा। ये चोरी चोरी ले गई तू गोरी, हाय रे मेरा, हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा मेरे। मैं तो दीवाना हुआ रे।
लिए चोरी चोरी ले गई तू गोरी, हरे मेरा हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा मेरे। चोरी चोरी ले गई तू गोरी, हाय रे मेरा हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा मेरे। कौन सी फिल्म का है? गुंडा राज। वेरी गुड। आज तुम्हारी बहन ट्यूशन में क्यों नहीं आई? आज लड़के वाले देखने आ रहे। क्या तुम्हारी बहन भी शादी कर रही है? अरे कल ही तो बड़ी हुई है, इतनी जल्दी शादी कर रही है? हाँ टीचर, मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है। फील तुम्हें नहीं होना चाहिए, मुझे होना है। रुक जा, अभी आती हूँ। ओ भैया, क्या आजू बाजू कितनी शादियाँ हो रही है, कितनी सारी मिस मिसेस हो रही हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कोई बैंड मास्टर हूँ क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ, कितनी उम्र हो गई है, बहन अकेली घर में रहती है। हमारे यहाँ भी शादी होनी चाहिए, आजू बाजू वालों के मुंह पे ताला लग जाएगा। थोड़ी भी जनरल नॉलेज है या नहीं तुम्हें? हम ताला डालते नहीं, ताला तोड़ते, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तुम तो चुप रहो। सुनो, इज्जत से कह रही हूँ, मुझे एक साथी ले आते हो या नहीं? ले आऊंगा बहन, मुझे भी जरूरत है। तो फिर ले आओ, जोड़ी भी तो जमनी चाहिए। जमाओगे तो जमेगी ना। तो ठीक है, आज से इसी काम पर लग जाता हूँ। आज के इस महीने के आखिरी तक जो तुम्हें पसंद आए अच्छे फिगर वाली एक लड़की से शादी करके तुम्हारे किचन में बांधूंगा। तुम मंगलसूत्र बांधोगे? अरे लड़का नहीं तो क्या, मंगलसूत्र लड़की बांधेगी। पर किसे? तेरी भाभी को। जब वो इस घर में आएगी ना, तो जब भी तू बाल बनाया करेगी, वो तेरे सिर में तेल डाला करेगी, तेरे सारे के सारे कपड़े वही धोया करेगी, तेरे सारे काम में हाथ भी बटाया करेगी, हम दोनों को ही साथ मिल जाएगा। वाह क्या बात है, भाई हो तो ऐसा। अगर दोबारा जन्म मिला ना तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं बनूंगी। क्या हुआ बहन, अचानक नाराज क्यों हो गई? मैंने एक साथ ही मांगा था, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। क्या?
तुम्हारी शादी की बात चल रही है? मैं तो भाई की शादी की सोच रहा था। तू तो बहुत होशियार है। तुम ऐसे ही सोचते रहो, किसी दिन किसी को लाकर कहूंगी, ओ भैया ये तुम्हारे जीजा है, समझ गए? नहीं नहीं बहना, ऐसा मत करना, नहीं तो मुझे ना हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। इसलिए मैं एक अच्छा सा लड़का देखकर, हेलो सिस्टर, कहूंगा यही तेरा पति है। काशी भैया, आज से हमारा मकसद क्या है? मकसद राजेश खन्ना से पूछना पड़ेगा। वो बात नहीं है, बहन की शादी के लिए डे नाइट काम करके हमें पैसे कमाने, यही हमारा मकसद है। चलो चलो। राम राम, आइए आइए। राम राम, लक्ष्मण आ रहे हैं। क्या चाहिए भाई? पैसा। ये बैंक नहीं है, गिरवी रखने की दुकान है। रखता हूँ ना, पहले तुम तो दो। क्या दूँ? रुपए। गिरवी क्या रखोगे? चक्कू वक्कू हम गिरवी नहीं रखते। नहीं रखोगे तो हम ये चाकू तुम्हारे सीने में घुसा लेंगे। जराफत से पूरा माल निकाल। तुम नक्सलवादी हो क्या? नक्सलवादी से भी खतरनाक है। अंदर जो सामान है चल बाहर निकाल के रख रख। अरे भाई ये अंगूठी तुम्हें अच्छी लगेगी रे। नहीं नहीं नहीं, ये रिंग तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इधर ला, इसमें अपनी फिंगर डालो, फिट हो गई। चुप, मेरा सारा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा। मार डालेगा? इस चाकू से मारेगा? चुप, मेरा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा, मार डालूंगा। अरे वो देखो, मारवाड़ी किसी को चाकू से मार रहा है। अरे सेठ, अभी तक कुंवारा हूँ, एक लड़की का होने वाला पति हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। शराफत से मेरा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा। मार मार, दे दो कह रहे हो सेठ जी, मैं नहीं दूंगा। बकवास बंद करो। हम इसे शरीफ आदमी समझते हैं, ये तो गुंडा है। नहीं सेठ, आप गिरवी रखने वाले हैं, इस तरह गुंडागर्दी मत कीजिए। हमारे गहने मत छीनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप, मेरा माल मुझसे चुरा के मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? क्या था? हमने हमने चोरी की। देख रहे हैं आप लोग, वो मरेला कैसी बात कर रहा है? उसके हाथ में चाकू है, हमारे हाथ में हमारा सोना है, ऊपर से मारने की बात कर रहा है। आप ही बताइए कौन चोर है। मैं बताती हूँ, पवित्र भारत देश में पैदा होकर मासूम लोगों के माल लूट कर चोरी का काम कर रहे हैं गुंडे लोग। पहलवान की तरह हो, मेहनत से काम करो, शेर की तरह जीना छोड़कर बंदरों की तरह चोरियां कर रहे हो। ये डायलॉग तो काफी सुना हुआ लग रहा है ना? ये जो है वो दरअसल में है नहीं। हाँ, बैक पॉकेट। वो गहने दो। मैडम ये गहने मेरे हैं। तो चुप कर, और एक तरह क्यों बात कर रहा है? मैडम बात कर रही है ना, बताती हूँ। दो। ए, क्या है? एसपी के गेटअप में आकर साइड एंगल से चमका रही है क्या? चैन पट्टी नहीं करना, नहीं तो वार्ड लगा दूंगा। मारती क्या है? बैक पॉकेट अच्छा है इसकी। है? सेम डायलॉग, तू भी अपन की जैसी है क्या? बकवास बंद करो, वो गहने इधर दो। पुलिस को देखकर चोर को भागना देखा है, लेकिन पुलिस को देखकर पुलिस भाग रही है? वो पुलिस नहीं, चोर थे। कम ऑन, फॉलो मी। क्या एक आशे यहाँ अंधेरे में छुप जाते हैं। ए, जरा साइड तो हटना। अरे बाप रे, जहां से भागे वहीं पर आ गए। ये तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे तुम काशी कहाँ चला गए? हम दोनों के बीच में कोई ना हो इसलिए चला गया। इसलिए तेरे साथ रोमांस करने के लिए। रोमांस? ए पंगा मत लेना, वाट लगा दूंगा। वाट लगने के लिए तो तेरे पीछे आई हूँ। पीछे पड़ना बहुत हो गया, अब तो अपना काम देख। छी छी, हाथ में आए हुए चोर निकल गए। तूने अगर ऑपरेशन किया होता तो। ऑपरेशन नहीं, कॉपरेशन। हाँ वही यार, कॉपरेशन। वो अगर तूने किया होता तो। हाँ, तुम उसे पकड़ के प्रमोशन लेकर मेरे हाथों में रख देने वाले थे। ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम ऐसे ही मच्छर मारते रहो, किसी न किसी दिन उसे पकड़ के एसपी या डीएसपी लेकर आएंगे। मैं किसी मर्डर केस में तुम्हें उसमें फंसा कर तुम्हारी वाट लगाऊंगा। थैंक्स। और जब मैं excuse me बाबू, ये पुलिस स्टेशन है क्या बाबू? नहीं, रेलवे स्टेशन है। मैं हावड़ा में, ये डेकन एक्सप्रेस है। आओ बैठो। आप क्यों पढ़ेंगे? ये रेलवे स्टेशन समझने के लिए मुझे इतनी ज्यादा चढ़ी नहीं है क्या, समझे? ये पुलिस स्टेशन मुझे अच्छी तरह पता है। पता है तो क्यों पूछ रहे हो तुम? जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो ये बीच में क्यों बोल रहा है? इंस्पेक्टर शेर सिंह है। चुप रहो, बीच में मत बोलो,
क्यों रे? एक पुलिस वाले से अरे तुरे बोल रहा है तू? मैं कौन हूँ? पता है तुझे? वो कौन? मैं हूँ साधु यादव। तुझे पता है? हाँ, मुझे पता है। खुशियाँ मनाओ। सुनो, दो दिन में मैं एसआई बनने वाला हूँ। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? उसके रिश्तेदार से पंगा ले लिया। क्या ये उसका रिश्तेदार है? हाँ। सर सर, आपको क्या चाहिए सर? आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं सर? आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं सर? अच्छा, अब समझ गए ना। देखो, मेरा घर घूम गया, ढूंढ कर लाओ। आपका घर घूम गया? वो कैसे सर? पता नहीं कहाँ चला गया। आई सी, इसे ज्यादा हो गई होगी, इसे पता भूल गया होगा। आ सर, आप इधर ही बैठिए, दारू उतरते ही तुम्हारा घर तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। साहब जी, आप इधर ही रहो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। जा रहे हो? वो करण सोना लेकर भाग गया है ना, अब कोई ना कोई बार में तो बैठा होगा, मैं जाकर अरेस्ट करके आता हूँ। अच्छा, तो मेरा प्रमोशन तुम लेना चाहते हो? अरे साहब, आप हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? मेरे से बड़े हो, आधी रात में तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, अगर प्रमोशन मुझे मिला तो तुम्हें मिलने जैसा है। अगर तूने इतनी सहायता मेरी पहले ही की होती तो आज मैं एसपी के पोस्ट पर रहता। आपको ऐसा लगता है तो आप जाओ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। हाँ, मेरी सहायता नहीं करने वाला मेरी सहायता कर रहा है, आज अचानक मेरा साथ क्यों दे रहा है? देखना पड़ेगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया, प्रमोशन मिल गया। अरे बाप रे, अब पता चला क्यों बाहर भेज रहा था, अंदर आता हूँ मैं। छोड़ दे, छोड़ दे, ये मेरे चोर है। नमस्ते एसपी साहब, इन दोनों को मैंने पकड़ा है। मैंने पकड़ा है। एसपी साहब किधर है? वो देखो, वो भाग रहे हैं। अरे ना लाठी मिली ना टोपी मिली, ना पकड़ते हो ना पकड़ने देते हो। मैं नहीं पकड़ूंगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पकड़ने दूंगा। हाँ? अरे शेर सिंह, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। बाप रे, ला दो। तुम दो। आओ बाप रे, मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने जेवर मांगे थे। कहने जेवर? वो तो तुम्हारे पास होंगे। मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ गए? मुझे मिला इसलिए मेरा है। तेरा बॉस मैं हूँ इसलिए मेरा है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। तो मुझे 60%, तुम्हें 40%। नहीं, मुझे 60%, तुझे 40%। फोन किसको कर रहे हो? एसपी साहब को। किस लिए? उनसे पूछूंगा कि तुम्हारा कितना और मेरा कितना। अबे तेरी, तू ये बात उन्हें बताएंगे तो सारा माल वो ले लेंगे। लेने दो, तुम्हें 60% नहीं दूंगा। ठीक है, 50-50 कर लेंगे। चलो, मेहनत हमने की और माल पुलिस ले गई। जाने देना, चलना। कहाँ? तुम्हारे घर। तेरा कोई घर नहीं है क्या? घर तो है, दिल नहीं लगता, चलना। ए, लगता है बहुत स्पीड में हो, मुलाकात हुई नहीं और घर तक पहुंचने लगी। वाट लगा दूंगा। तो वाट लगा दो ना, इसीलिए तो प्यार कर रही हूँ। बहुत नाटक कर रही हो क्या? नहीं, बस प्यार कर रही हूँ। करो करो, करते रहो, जब किसी दिन कोई तुम्हारा फायदा उठा कर ले जाएगा ना, तब समझ में आएगा। तुम्हारे रहते कोई फायदा कैसे उठा सकता है? सुनो, जेवर तो 50-50 नहीं कर पाए, कम से कम हम दोनों जिंदगी भर साथ साथ तो रहेंगे। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, दिमाग खराब है मेरा क्या? चल भाग यहाँ से, फूट ले। तुम कैसे मर्द हो? आधी रात को एक खूबसूरत लड़की अकेली है, उसका चुम्मा लो, उसे गले लगाओ, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? इधर क्या बातें चल रही हैं? कैन आई हेल्प यू? यू ब्लैक। What is this? मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ और इस हालत में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Oh, I think charges. हेलो, मैं कल्लू बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, अमेरिका से। एक मिनट, जीजा जी, अमेरिका से चक्रवर्ती? अमेरिका का फोन मत उठाकर, कहा ना तुमको? अमेरिका में चक्रवर्ती फोन उठाया है, मैंने तो इंडिया में उठाया। हेलो, हाँ ठीक है यार, परसों अचार भेजा था, कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, कल मॉर्निंग फ्लाइट से मेरा बेटा इंडिया आ रहा है। अचार के लिए? अरे क्यों भेज रहा है उसको, मैं पार्सल करके भेजता हूँ ना। वो अचार के लिए नहीं आ रहा है, वो म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आ रहा है। ऐसा क्या? तो मैं रिसीव करके अपने घर ले जाता हूँ। मेरा बेटा 2 महीने वहीं रहेगा, काम तो ठीक है, एक अच्छा रिश्ता दे, शादी कर डालेंगे। तो ऐसे कहो ना, मेरी बेटी रेडी है, लड़का अगर एक बार देख लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। इतनी बदसूरत है क्या? नहीं नहीं,
अच्छी लगी कह रहा हूँ। लड़के को पसंद हो तो बस मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लड़की सुशील और सुंदर होनी चाहिए बस। तो फिर और इजी, मेरी बेटी फिल्मी हीरोइन से भी बढ़कर है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके। ओ मेरी डॉटर, ओ माय डॉटर, ये क्या पहने हो? क्यों, क्या बुराई है इस गेटअप में? अच्छा तो है, तकदीर अपना साथ दे रही है, तुम इसे यूं ही खो देना चाहती हो? लड़का अमेरिका का है, स्टाइल वाला, सूट वाला, बूट वाला, पर्स वाला, नोट वाला है। तो क्या हुआ? ओ मेरी भोली डॉटर, उस लड़के को लाखों रुपए लगाकर ऑर्गेनाइज करके इंडिया क्यों बुला रही हूँ? म्यूजिक प्रोग्राम के लिए? नो, इस बहाने उसके साथ फ्रेंडशिप करा के शादी कराने के लिए। अब तुम इस गांव वाली ड्रेस में आओगी तो वो तुम्हें पसंद कैसे करेगा? इसलिए जाकर मेरी पहन कराओ कि देखते ही मूड में आकर शादी कर ले। देखो उसे मूड आए या उसे मूड ना आए, मैं कोई मीठी विधि नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी, चल। आओ। क्या है डैडी? चलो आओ मम्मी। डैडी उन्हें घर पर भी तो देख सकते हैं ना, एयरपोर्ट पर आने की क्या जरूरत है? आओ ना, वो फ्लाइट से उतरते ही तुम्हें देखना चाहिए, तुमसे ही लव करना चाहिए। तो शादी किसके साथ करनी चाहिए? तेरी नानी के साथ, अपना मुंह बंद रख। वो तो ठीक है, अब मेरा हाथ खींचते हुए ले जाएंगे लोग, क्या अपनी बेटी को बच्चों की तरह हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, यही समझेंगे? ऐसे कुछ नहीं समझेंगे, किसी के साथ भाग जाओगे इसलिए हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मामा जी। क्या ठीक कहा? हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते। ओहो बहुत दिनों बाद मिले। कोई फॉरेन से आ रहा है क्या? अमेरिका से मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ। धीरे चलो, हाथ टूट जाएगा। हार कैसे टूटेगा? हाँ ये क्या, ये मेरे हाथ में कैसे आया? पकड़ा तो आया ना। कहाँ चली गई? वो तो चली गई। कहाँ? वहाँ शॉपिंग सेंटर में दूध पीना छोड़कर यहाँ छोटे से होटल में चाय पी रहे हो, तुम कैसे हीरो हो मेरे जानू? वहाँ घर में आग लग रही है। लगने दो ना, भाड़े का ही घर तो है। देखो मजाक मत करो, जल्दी चलो। कहाँ, किस लिए? किस लिए? मेरी माँ को नानी बनाने के लिए, मेरे पापा को नाना बनाने के लिए, मेरे मामा को हार पहना के पूजा करूं? उफ़ो, बात को समझो मेरे जानू, मेरे पापा अमेरिका से एक और हीरो को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक और हीरो? वो कौन है? और मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो मुझसे शादी कर लेगा जानू। तो वो गया काम से। देखो शराफत से कह रही हूँ, मेरे बच्चों के बाप बनोगे या नहीं बनोगे? नहीं बनूंगा। तो मुझे अपने बच्चों की माँ बना लो। कभी नहीं बनाऊंगा। क्या यार लेडीज पर धक्का मारते हो? किसने मारा धक्का? किसी ने नहीं मारा, आप ही गिर गए। मैं क्यों गिरूंगा? तुम्हें ही पता होगा। मुझे सच में पता नहीं है, आई एम सॉरी। ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। इट्स ऑल राइट, आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे गलत मत समझना। इट्स ऑल राइट प्लीज, सिर्फ एक बार मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी जानू। तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? जाकर अपना मुंह आईने में देखो, जाकर उस अमेरिका वाले से शादी कर लो, मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, समझी? दूसरी ढूंढोगे? या यो अभी तो मैंने आपसे सॉरी कहा था, इस तरह धक्का क्यों मारा? क्या मैंने धक्का मारा? तो फिर किसने मारा होगा? जीजा जी अमेरिका वाला लड़का आ रहा है। आ रहा है? अब तक आई नहीं, पता नहीं कहां गई। वेलकम टू इंडिया। आप? मिस कादंबरी, लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, आपके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली मैं ही हूँ। ओह आई सी। कम से कम गले तो लगा लो। टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक किस कर लो मेरी जान। कोई किस नहीं मिलेगा, कोई पिस नहीं मिलेगा, चल यहाँ से। तुम्हें हेलो शेर सिंह जी। यहाँ इधर आइए इधर। उन्हें क्यों बुला रही हो? तुमसे किस करवाने के लिए? वो आएगा तो मुझे पकड़ लेगा, मत बुलाना। तो फिर एक किस लो। पागल हूँ क्या, तुझे किस करूँगा? मिस्टर शेर से। अरे किसी लड़की ने मुझे आवाज दी। या, या। अरे मेरी चमक, चलो मरवाने का इरादा है क्या? इधर आप किस देता हूँ। बेटे अर्जुन, ये अमेरिका नहीं इंडिया है, किसी को भी किस नहीं करते, छोड़ो छोड़ो। डोंट डिस्टर्ब, दोनों प्यार से किस कर रहे हैं, बीच में टैडी टेबलदार की तरह क्या कर रहे हो, चलो हटो यहाँ से। ये क्या, ऐसे किस कर रहा हूँ मैं? सुनिए सॉरी जी, सुनिए सुनिए, पता नहीं कैसा फील कर रही होगी। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ बेटे। मैं क्यों फील होगा, किस तुम्हें थोड़ा ही किया है।
थोड़ी देर पहले आते तो ये किस हमें मिलती। अरे किस मिस, तुम्हें किस करने के लिए कोई अमेरिका से नहीं आएगी, अहमदाबाद से आएगी। तो चल बेटा चल। जीजाजी मेरी ये बात सुनिए आप ध्यान से। ये क्या डैडी, आपने एयरपोर्ट पे मुझे अकेला छोड़ दिया। कौन बेटी? इन्होंने, आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? मेरी बीवी का नाम भी मिट्टी में मिला दिया तूने। मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिला, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। मिट्टी में मिलाया हो या ना मिलाया हो, एक मस्त किसमिस हो गई हम। ऊपर अमेरिका के जेंटलमैन तुम्हारे लिए वेट कर रहे, जाकर कंपनी दो। ऊपर है क्या? अच्छी कंपनी क्यों, अच्छी पंचिंग भी देती हूं। क्यों मिस्टर, आपको अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली क्या जो यहाँ तक आए हैं? आप इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बॉम्ब ही बॉम्ब है, फट जाएंगे। इज्जत से जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। मेरे हीरो, तुम मतलब अमेरिका वाले को रूट लाइन पे रखकर मेल लाइन पर आ गए हो, और मेरे बच्चों की बॉम्ब तूफान की तरह कितने तेज आए हो। मेरे क्लेवर क्लेवर लवर बॉय, आ जाओ मेरे जानू। ये लवर और क्लेवर क्या है? क्लेवर मतलब बड़े होशियार हो मेरी जानू। सी मिस, आप गलत समझ रही हैं। आई एम फ्रॉम अमेरिका। वेरी गुड कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा मेरी जानू। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ओह मेरी प्यारी डैडी, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ अंकल। अगर आपको किसी को दामाद बनाना है तो इसे ही बनाइए मेरी मम्मी जी। जीजा जी, हमारी बच्ची शादी के लायक हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? शादी? ओह माय गॉड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ब्रदर, रेडियो मिर्ची जैसी हमारी बेटी अचानक हॉट मिर्ची जैसी बदल गई, चैनल कैसे बदल गया? चैनल नहीं, रेडियो नहीं, लेकिन वो लड़की कौन है? हम दोनों की डॉक्टर। तो उससे कहीं लिमिट में रहे। ठीक है दामाद जी, आप भी लिमिट में रहिए। मेरा नाम दामाद जी नहीं है, रवि वर्मा है। जीजा जी, ये क्या है? अर्जुन दामाद। ठीक है। हेलो, आई एम कादंबरी स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं? अर्जुन वर्मा। प्रोग्राम कितने बजे फिक्स किया है? 6 को फिक्स किया है बेटा, आप 6:30 को आएंगे तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? इंडियन पंक्चुअलिटी, आधा घंटा अगर लेट नहीं आए तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? हमें टेंशन भी नहीं रहेगा, आप आधा घंटा लेट ही आएंगे ना? नो, 5:30 पर आ जाऊंगा और ठीक 6 बजे प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। पहले मैंने कोई तुम
सी हसीना ऐसी सनम तुम्हारे जैसी की तो देवी है तेरा मैं पुजारी तेरी प्यार में प्यार मैं तो सब हारी ओ प्रिया आके गले तुम मेरे लग जा ओ साजना प्यार में खो जा ये कैसा राग मधुर मधुर तुझे छेड़ा सर। कौन हो तुम? मेरा नाम राम बाबू है, बत्रा का मास्टर हूँ। मैं हूँ प्रकाश, बत्रा साहब का पीए हूँ। आप? मेरे बारे में पुलिस वालों ने कुछ बताया नहीं क्या? क्यों दोस्त, नए आईएसपी को स्टेशन में मामूली चोर से लेकर सिटी के बिग बॉस तक की लिस्ट बताना चाहिए था ना। देखिए सर, मेरा नाम मित्रा है, शहर वाले सब मुझे बड़ा आदमी कहते हैं, मेरा सारा स्टाफ बत्रा कहता है और ये पुलिस वाले मुझे स्मगलर कहते हैं। जो कहना है कहो। क्या कहने आए हो कहो बेटा। अरे आप बुजुर्ग होकर खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हैं, बैठिए सर, बैठिए श्रीमान जी। तुम भी बैठो बेटा। जब तक हमारे एसपी साहब हमें बैठने के लिए नहीं कहेंगे मैं तब तक कैसे बैठ सकता हूँ सर। बैठिए। गॉड ब्लेस यू। कहिए। कुछ भी नहीं एसपी साहब, मेरे पास 100 ट्रक है, उसमें भांग गांजा अफीम आता जाता रहता है और ये सारी पुलिस जानती है, फिर भी मुझसे कोई नहीं पूछता, अगर पूछता है तो जिंदा नहीं रहता। तुम्हारी पोस्ट के लिए सरकार 3,000 पगार देती है, लेकिन मैं 30,000 देता हूँ। खुशी के मौके पर तुम्हारे जैसे गेस्ट के लिए मेरे फॉर्म हाउस में तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से कल्चरल प्रोग्राम भी होता रहता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। वो क्या है ना, मैं भी आप ही की तरह हूँ,
जितना काम करता हूँ उतनी ही पगार लेता हूँ। रेगुलर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं रेस्ट हाउस में अपने टेस्ट के हिसाब से लाठी प्रोग्राम अरेंज करता रहता हूँ। मेरा अब तक 8 बार ट्रांसफर हुआ है, ये 9वां है, 10वें के लिए मैं रेडी हूँ। जी जी, हमारे बॉस ट्रांसफर और प्रमोशन जैसे छोटे छोटे काम नहीं करते। देखो बेटा, तुम्हारे बाप की तरह हूँ, मेरी बात मानो। तुमने 3 ट्रक पकड़े हैं, उसमें बतरा का क्या जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन बतरा को क्या फील होगा तुम्हें पता है? तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो 4 अफसर और अपना सर उठाएंगे। जो प्यार से हो सकता है उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत? ये जैसा कहे वैसा करो। नहीं करूं तो तेरी औरत को विधवा बना दूंगा। तेरे जैसों को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। अरे ऑफिसर, रोने के लिए आगे पीछे कोई भी नहीं है। गॉड ब्लेस यू। क्या चाहिए सर, चाय या कॉफी? पीना बिना सब बाद में, पहले कुछ खाने को लाओ। जाओ। क्या लेकर आऊं सर? समोसा। अच्छा, समोसा पसंद है तो जाओ लेकर आ जाओ, वही खा लूंगा। अच्छा, ब्यूटीफुल, ये तो बहुत अच्छा है। कैसा है सर? एकदम बकवास बनाया है। अरे क्या सर, बहुत अच्छा है बोलकर फेंक दिए। पता नहीं ऐसे कैसे कर दिया। अरे ये क्या, आग कैसे मार दी मैंने? सुनिए सुनिए तो, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, लड़का हूँ। हेलो ब्रदर, कंधे से हाथ हटाओगे? नहीं हटाया तो? नहीं हटाया तो सामने एक लात मारूंगा, बैक की वाट लग जाएगी। अच्छा ऐसा करेगा? फिनिश, अब तो खलास। नीचे वाले करण के बारे में इसे नहीं बताऊंगा, ऊपर वाले करण के बारे में इसे नहीं बताऊंगा। छोटू, हाँ, बाहर जीप में सिगरेट भूल गया, मैं जरा लेकर आ। तुम ऊपर जाओ, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। मिल गया मिल गया, मुझे प्रमोशन मिल गया। छोड़ो, बन गया बन गया, मैं सही बन गया। मैंने क्या किया सर, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़िए, बन गया, छोड़ूंगा नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या, मैंने एसआई पर हाथ उठा दिया, ये मुझसे कैसे हो गया? बहुत दिनों बाद मिले, छोड़ूंगा नहीं। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। अरे ये यहाँ पर सो रही है। सुनिए सुनिए, माय गॉड ओ माय गॉड, कल किस करके आज हाथ में उठाकर, ओह क्या फर्स्ट लव है। बेबी अब उतर जाए, इनके हाथ दुख रहे होंगे। ये नहीं उतरेगी, उतारना पड़ेगा। मतलब बेहोश है ये। ए, कौन है? दामाद जी आप? दामाद जी, मैं तो ठीक हूँ। ससुर जी आप? अरे क्या दामाद जी दीवार से उड़ी मार रहे हैं? दीवार मुझे अच्छी लगी, कूदने का मन किया इसलिए कूद गया। पता नहीं आप अमेरिकन के स्टाइल अलग है। आइए अंदर चले। बेबी व्हाट हैपेंड? बेबी लड़के की खूबसूरती देखकर बेहोश हो गई क्या? वो बहुत बड़ा गुंडा। गुंडा? और मैं? आप नहीं। क्या हुआ पता है? वो गुंडे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर इन्होंने उसे पकड़ के सुपर निर्मा की तरह धो दिया। और गुंडे की मार से इनकी नाक में से बड़ी बड़ी खून की 2 बूंदे गिरी। ओह माय गॉड, 2 ड्रॉप्स ब्लड। हाँ, उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अरे आपका घाव तो ठीक हो गया, इट्स गॉन।
आप टाइगर बम यूज करते हैं क्या? आप क्या मेरी ही बात कर रही हैं? हाँ, मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। वैसे फाइट करके थक गए होंगे, क्या लोगे, ठंडा या गर्म? ठंडाई। हाँ मैं समझ गई, कोल्ड बियर। मेरी बात तो सुनिए, मैं दूध के अलावा और कुछ भी नहीं पीता हूँ। मैं सदके जाऊँ सदके जाऊँ। अरे मेरी बेबी भी पानी के सिवा कुछ नहीं लेती। इसका मतलब दूध पानी जैसे आप दोनों मिक्स हो जाएंगे। बेबी इनके लिए दूध लिया। साइड प्लीज। हाँ दो। ये ले लो। अरे ये कौन है यार, भैंस की तरह मुझे दूध दे रहा है। ए, ये दूध वूध मुझे सूट नहीं करता है। दूध दही सूट नहीं होते जीजा जी? ये केस मुझे रॉन्ग नंबर लग रहा है। तुम्हें सब रॉन्ग नंबर जैसे लगते हैं, तो दूध रख दे। ओके। कहाँ गए? अरे वाह 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 वाह। दामाजी आप भी पीते हैं? क्यों पीने नहीं दोगे क्या? क्या बात करते हैं, आप पियेंगे तो आपके साथ बैठकर कंपनी दूंगा। सोडा या वाटर? मिलावटी दारू नहीं चलती। प्योर। ये लीजिए। थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स। कैसा दूध है ये, कितना पावरफुल है, इसमें क्या मिलाया है? दूध वाले ने पानी और मैंने शक्कर मिलाई है बस। तो फिर शराब की तरह नशा क्यों चढ़ रहा है मुझे? बेबी के हाथों पी लिया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। पीजिए। मैं अंदर जाती हूँ, तू उसे संभाल ले। अब तो देख वो पूरी तरह नशे में है, तू उसे अपना लेना। मम्मी। ये क्या दामाजी, सास को ऐसे मारा जाता है? ये आपकी सास है? नहीं तुम्हारी सास। मेरी सास है? जीजा जी ये सच में रॉन्ग नंबर है। ये तू चुप रहेगा? ये क्या जीजा जी, मेरी बहन को मार के सास कह रहा है, इससे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझा, अमेरिका का दामाद है, थोड़ा उसके साथ एडजस्ट करके अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। दामाजी, लड़की बेडरूम में है, वहाँ जाइए। बेडरूम में लड़की बैठी है, मैं जाऊँ? आज तो मजा ही मजा है अपना। हाय हीरो। हीरोइन। तुम और यहाँ, ये घर, दामाजी, तेरा बाप, तो ये बात है। ए मेरा आइटम समझ में आ गया। जीजा जी। ए कुछ बड़ा तो मार डालूंगा। दामाजी आप जाइए जाइए। चल चल, नाश्ता पानी तो सब हो गया, अब थोड़ा गाना हो जाए। जड़ी पास मेरे आ, ननक रे दिखा, जो मैं करूं तू भी करके दिखा, आ ठुमका लगा, आजा तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊं, होश उड़ा के तुझको दीवानी बनाऊं, आंख जरा मुझसे तू लड़ा, अरे बेचैनी और ना बढ़ा, बड़ा तुझे आएगा मजा, जरा घोड़ी चढ़ा मुझे तू, घोड़ी चढ़ा मुझे तू जानी। ओ मेरी फुलझड़ी पास मेरे आ, नानक रे दिखा, जो मैं करू तू भी करके दिखा, आ ठुमका लगा, आजा तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊं, होश उड़ा के तुझको दीपानी बनाऊं। Thank you.
तेरा मैं चुरा लूं, ये हुस्न तेरा गोरी। ओ मेरी फुलझड़ी पास मेरे आ ना नखरे दिखा जो मैं करूँ तू भी करके दिखा आ ठुमका लगा आजा तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊं होश उड़ा के तुझको दीवानी बनाऊं। बेटे एक मिनट, बढ़ाया हुआ कदम पीछे हो सकता है लेकिन आगे बढ़ा चाकू नहीं। सुनिए एसपी साहब, आज बेटे ने आपको मारने की मुहूर्त रखी है, तुम बात मानकर हमारी लाइन पे आओगे या जिद करके अपनी जान गंवाओगे? क्या डरा रहे हो मुझे? आपके पास इतना चांस नहीं है सर। रामलाल जी, गांधी जी ने क्या कहा था? गलत नहीं देखना कहा था। उसके बाद क्या कहा? गलत नहीं सुनना कहा था। बाद में? गलत बात मत करो कहा था। देखा, तुझे मारना गलत काम नहीं है, इसीलिए ये सारे लोग नहीं देखेंगे। तेरी मौत गलत नहीं है, इसीलिए वो नहीं सुनेंगे और ना ही बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। लड़की ऐसे क्यों चिल्लाई? मर्डर करते हुए देखा क्या? देखा। उसकी मरने की चीख सुनी क्या? सुनी। जो तूने देखा सुना उसे कहीं बताना नहीं? मैं तो कोर्ट में भी गवाही दूंगी। ए दारा, क्या हुआ सर? सुनो, तुम्हारी एक सलाह चाहिए, इस लड़की का क्या करें? अपने गुंडों से इसका बलात्कार करवा देते हैं। कृष्ण, लड़की का बलात्कार करने की बात करते हो? यही बेहुदा सलाह दे रहे हो तो मुझे? कहां गई हमारी संस्कृति और मर्यादा? सॉरी सर। इस तरह की बेहुदा सलाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। ऐसी बात करने के लिए कहता है मुझे? कहां गए हमारे संस्कार और मर्यादा है? सर, कल मैं एक इंग्लिश फिल्म देखा, उसमें भी विलन को ऐसी समस्या आती है। वो लड़की को तुम ही सिंदूर पोंछ लो, तुम ही बाल बिगाड़ लो, तुम ही कपड़े फाड़ लो, कंगन तोड़ लो कहकर सब कुछ उस लड़की को करने के लिए कहा और तेरा रेप हो गया ऐसा कह दिया। सर, बाहर आने के बाद उस लड़की को देखकर लोग अनाप शनाप बकने लगे सर। उस अपमान को ना सहकर वो लड़की फांसी लगाकर उसने अपनी जान ही दे दी। वेरी गुड, वेरी गुड। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। सुन लड़की, किसी को कुछ बताना नहीं, चुपचाप घर जा। जान भी चली जाए तो ऐसा नहीं करूंगी। तो ठीक है, ये सारे बच्चों की जान चली जाएगी, तब भी बोलोगी या नहीं बोलोगी?
ऐ बच्चों, ये तुम्हारी टीचर मेरी बात नहीं मान रही है। ऐसी मतलबी जिद्दी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने से ज्यादा अच्छा मर जाना है। मारो मारो, मार डालूंगा, छोड़ूंगा ही, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। उन्हें मत मारो, उन्हें कुछ मत करो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। गुड, इसका रेप करो। ऐसे ही रोना कंटिन्यू रखते हुए घर जाओ। गॉड ब्लेस यू। कसूरी, कसूरी क्या हुआ बताओ? जाके मित्रा से पंगा लिया, रेप करके भेजा होगा। ऐसा लगता है बत्रा की पूरी गैंग ने उसका रेप किया है। इसकी शादी होने वाली थी। अब क्या शादी, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं फांसी है। भैया